आपके पास रियलमी का कोई भी फ़ोन है उसके अंदर ऐप कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऐप हैं वो क्रैश हो जाते हैं, या फिर रियलमी के फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप्स हैं वो ऑटो बैक हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक ऐप है पर्टिकुलर ऐप है वो भी हो रहे हैं, या कोई एक ऐप है वो ऑटो बैक हो जाता है, क्रैश हो रहा है, तो आज मैं आपको बताऊँगा उसे आपको कैसे ठीक करना है। यहाँ पर मैं गारंटीड देता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखने के बाद सही हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो पावर वाला बटन है यानी कि स्विच ऑफ करने वाला जो बटन है वो दबा के रखना है। फ़ोन को यहाँ से सबसे पहले रीस्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक फ़ोन ऑन होगा, डाटा डिलीट नहीं होता है, फ़ोटो वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। उसके बाद आप जाएंगे मोबाइल की सेटिंग के अंदर। जैसे आप मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो अगर आपकी सेटिंग भी रीस्टार्ट हो रही है, बैक हो जाती है, तो इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे। ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे और स्टोरेज यूज पे क्लिक करके क्लियर कैच करेंगे और यहाँ पे अपनी सेटिंग को फोर्स स्टॉप कर देंगे, ये सीधा ऑटो बैक कर देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सेटिंग वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, मोबाइल की सेटिंग। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के ऐप मैनेजमेंट या फिर जहाँ पर भी ऐप्स होते हैं उसमें चले जाना है। उसमें आपको थ्री डॉट या टू डॉट्स नज़र आ रही हैं होंगी, ठीक है, या टू डॉट्स हैं, किसी किसी फ़ोन में थ्री डॉट भी मिलनी है आपको। तो लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ शो सिस्टम का एक ऑप्शन खुलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है सिस्टम UI कितना डालना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, फोर्स स्टॉप कर देंगे, स्टोरेज यूज पे क्लिक करके किसा क्लियर कैच कर देंगे, क्लियर डाटा भी हो रहा है तो क्लियर डाटा भी कर देंगे, ठीक है। इतना आपको करना है बस, फ़ोन का वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके फ़ोन के जितने ऐप हैं ऑटो बैक हो रहे हैं वो सही हो जाएंगे। देखो, फिर भी कोई एक ऐप में प्रॉब्लम आ रही है आपको, आ रही थी, तो आपको उस ऐप को अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च बार में ऐप का नाम डालना है और उसे आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए, ठीक है। जो भी ऐप्स है उसे आप अपडेट कर देंगे, अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने के बाद प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और फिर भी देखो प्रॉब्लम आ रही है उस ऐप के अंदर, तो उसी ऐप को आप दबा के रखेंगे, ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे और उस ऐप का आप फोर्स स्टॉप करेंगे, स्टोर यूज पे क्लिक करके उस ऐप को आपको क्लियर डाटा कर देंगे उसका, ठीक है। क्लियर डाटा करने से ऐप का जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लग सकता है इसमें, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।